राकेश वाला मेरा इसका टेस्ले का फ्यूचर जो पूरा है इलेक्ट्रिकल पार्ट में भाई, सबके बारे में बताऊंगा मैं, ऐसे जेट सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है, सबके बारे में बताऊंगा, पूरा प्रॉब्लम बताऊंगा, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है टेस्ला में। हेलो दोस्त, नमस्कार, मैं नाम विशाल शर्मा, स्वागत सबको विशाल कार मैकेनिक में। मैं हूँ गोरखपुर इंडिया से। आज आपको टेस्ला के बारे में पूरा फ्यूचर बताऊंगा भाई, ऐसे जेट इंजन से लेकर स्टेयरिंग से लेकर हर एक चीज़ से। तो फिलहाल दिखा दूँ ये टेस्ला, ठीक है, टेस्ला का ये लोगो है। ये रहा इसका फ्रंट साइड, जो जहाँ पे हर गाड़ियों की इंजन आती है, किसी गाड़ी का रियर आता है, बट इसमें फ्रंट इलेक्ट्रिकल पार्ट है, ठीक है, इंजन नहीं है इसमें। ये गाड़ी इलेक्ट्रिकल से चलती है, ठीक है, चार्ज करने पे ये गाड़ी चलती है। मैं वो भी दिखाऊंगा, चार्ज कहाँ होता है, किस जगह लगता है, क्या क्या कहाँ पर कौन सी पार्ट है, ठीक है, बट इसमें इंजन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिकल है मेरे भाई, इलेक्ट्रिकल है इस गाड़ी में, इलेक्ट्रिकल है, पूरा पूरा इलेक्ट्रिकल है। ये आदमी की जान ले लेगी मेरे भाई। तब तक मैं देख रहा था, मेरे भाई उस्ताद आ गए, उस्ताद कह रहे इंजन कहाँ गए, इंजन तो गायब हो चुकी है। तो जो प्रॉब्लम है भाई, देखो ये सस्पेंशन का प्रॉब्लम है, एयर सस्पेंशन का प्रॉब्लम है। तेरा टेस्ला देख रहे आप, टेस्ला इसमें सस्पेंशन का प्रॉब्लम है मेरे भाई, सस्पेंशन का, ठीक है। तो इसका पूरा ये फ्रंट का देख रहे हो कितनी वायर है मेरे भाई, ये सब इलेक्ट्रिकल है, ए सी जेट पूरा पूरे इलेक्ट्रिकल है मेरे भाई, बैटरी से पूरा सिस्टम है। तो इसका जो सस्पेंशन प्रॉब्लम है तो बता दूँ, ये पाइप इसमें भी सस्पेंशन है, एयरमेटिक शॉक है इसमें भी, जो ये पाइप देख लो, साक वाली पाइप है मेरे भाई, साक वाली पाइप है। ये फ्रंट लेफ्ट साइड है, एयर आ राइट साइड दिखा दूँ आपको पाइप, ये फ्रंट साइड राइट साइड है पाइप, एयर का पाइप है मेरे भाई, जो पंप बनाती है तो पाइप में एयर आता है, तो ये जंपिंग अप या डाउन होती है, जो कंप्रेसर अप डाउन होती है, ठीक है, अप कंप्रेसर के अलावा सस्पेंशन। ये रहा इसका डिग्गी का, जो सामान रखने वाला डिग्गी होता है वो है, ये इस जगह एरिया में लगा रहता है, पूरा ये कवर कर लेता है, तो इसको निकालना पड़ता है, तो ये पूरा सिस्टम दिखाई देती है। तो देख लो भाई, सस्पेंशन के लिए आया था, तो ये कितना गैप पड़ी है गाड़ी में, देखो कितना गैप है, सस्पेंशन पूरा पूरा चारों तरफ डाउन हो चुकी है, ऐसे चारों की चारों सस्पेंशन नीचे हो चुका है, डाउन हो चुकी है, टायर बम्पर के अंदर घुस गया है, ये गाड़ी लड़ चुकी है, एक्सीडेंटल हुआ है, तो ये रिकवरी से गाड़ी आई है, ये गाड़ी रिकवरी से आया मेरे भाई। ये इधर लगा है चार्जर, ये चार्जिंग लगी है, ये लगाया है हाइकल, जो मेरा अरबाब का दोस्त है, देखो चार्जर लगा के देख रहा है कि चार्ज हो रही है कि नहीं, ठीक है। इधर देखो, इसमें लाइट आ गई है चार्जिंग का, ठीक है, वो देख रहा है कि चार्ज हो रही है कि नहीं, गाड़ी पूरा डाउन हो चुका है, पूरा का पूरा डाउन हो गया है ये, और चार्ज हो नहीं रहा है, फिलहाल बता दूँ चार्ज धीरे धीरे अभी होगा, तो फुल चार्ज नहीं हुआ है, तो गाड़ी डाउन हो चुकी है। तो चार्जिंग लगने का लोकेशन यही है, ये चार्जर लगने का लोकेशन है, जो ये फिलहाल पूरा देख रहा है कि चार्जर, ये बता दूँ, ये देख लो 250 वोल्टेज है भाई चार्जिंग, एसी चार्ज लगा है, ये पूरा इसका केबल है। ए रहा ईमा, ईमा देख रहे हो, ये मेरे फ्रेंड है, ईमा माई फ्रेंड। तो फिलहाल मैं आपको अंदर दिखा दूँ, इसका स्टीयरिंग देख लो, डैशबोर्ड देख लो, इंटीरियर देख लो, टेस्ला स्टीयरिंग चेक कर रहे हो। स्टीयरिंग देखो यार, दासू कितना है, डिस्प्ले देखो, ए आरएमबी गैराज, मेरा गैराज, ये इसका दरवाज़ा चेक कर लो फिलहाल, और इसका टायर तो दिखाई लिया, पूरा पूरा चारों तरफ बैठा है गाड़ी, चारों तरफ डाउन है। तो ये चार्जिंग बता दो, मेरा चार्जिंग लगने का लोकेशन है, यहाँ पे लगा रहता है, इसके ऊपर जो उठाया हो ना, अब वो भी दिखाऊंगा। तो दिखा दूँ भाई, अब बता रहा हूँ, ये रहा है एसी कंप्रेसर, जो फ्रंट साइड लगा है ना, जो ये एसी कंप्रेसर, ये इसका पाइप है, हाई प्रेशर पाइप है, इसमें जो भाई कंडेंसर लगा है ना, वाटर कूल्ड वाला कंडेंसर है, ठीक है, जो इसका कूल्ड कंडेंसर है, वाटर कूल्ड वाला कंडेंसर है, जो बीएम में आती है, जर्मनी कई गाड़ियों में आती है, ठीक है, ऑटोमेटिक गाड़ियों में आता है कंडेंसर, जो वाटर कूल्ड वाला आती है। इसका दिखा दूँ मैं एक्सल, इसमें एक्सल देख रहा हूँ, एक्सल लगा है इसमें, ये ना का सोचना कि एक्सल नहीं लगा है, एक्सल लगा है, हर टायरों में इसका मोटर लगी है, ये इसका 4x4 या डिफरेंस है, इतना मुझे नहीं मालूम, बाकी वो डिफरेंस है या 4x4 था, ठीक है। ये इसका कंप्रेसर है, पूरा हाई प्रेशर का देखो पाइप यहाँ लगती है, इस एरिया में हाई प्रेशर का पाइप लगा है। तो भाई ये इलेक्ट्रिकल पूरा इलेक्ट्रिकल पार्ट है, ये जो दिखाया ना हवा वाला कंप्रेसर था। अब मैं बताऊँगा आपको चार्जर, अगर आपका गाड़ी बंद हो जा रही है, अपने आप बंद हो जा रही है, लॉक हो जा रही है, अगर गाड़ी डाउन हो जा रही है, तो पूरा आपको कहाँ लगानी है बैटरी, ठीक है, चार्ज कहाँ करनी है कि गाड़ी दरवाज़ा खुल जाए। तो फिलहाल दिखा दूँ, वो दिख रहे हो, फोकस नहीं हो रहा है सही से, फिलहाल मैं आपको टी लगा के दिखाऊँ, अगर अभी को एक टी लगा के दिखा रहा हूँ, वो दिख रहे हो ना, वहीं लगेगा, ठीक है, दिखा, हाँ कहाँ दिख रहे हो ना, टी लगाया वहाँ पर प्लस का, वो जो सिस्टम है वो प्लस, वहाँ प्लस लगेगा, यहाँ पर लगेगा माइनस,
यहाँ पे लगेगा भाई माइनस, बोल्ट पे नहीं लगानी है याद रखना, इस वायर जो लगाए इस पे लगानी है माइनस, इस पे माइनस का वायर लगानी है, यहाँ पे प्लस लगानी है जो इसके अंदर है, ये लाल वाला जो वायर गई है ना वही पूरा सिस्टम वहाँ पे लगा है, तो वहाँ पे बनाए लगाने वाला, ठीक है। तो फिलहाल मैं फोकस आपको करके दिखा दूँगा एक बार मिनट, प्लस का ये देख रहे हो ना, ये प्लस का यहीं भी प्लस लगेगा, ठीक है, प्लस यहीं लगेगा और जो माइनस लगेगा वो वहाँ लगेगा, प्लस यहाँ पे लगेगा याद रखना, और माइनस वाला यहाँ पे लगेगा इस वायर में लगेगा, बोल्ट पे नहीं लगाने का ना, किसी बाड़ी में लगाना याद रखना, बोल्ट पे नहीं लगानी, हाँ यहाँ पे लगानी है माइनस, ठीक है, माइनस वहीं लगानी है, ये ना क्या वहाँ आप लगा दूँ। तो वही दिखा दूँ ये कपड़ा क्यों लगाया हूँ दरवाजे के पास, लॉक के सिस्टम पे कपड़ा क्यों लगाया हूँ, इसलिए लगाया हूँ भाई कोई कि ये गाड़ी पूरा पूरा डाउन हो चुकी है, डाउन हो चुका है, अगर कोई दरवाज़ा सटा देगा तो दरवाज़ा लॉक हो जाएगी, दरवाज़ा जब लॉक हो जाएगी तो ये खुल नहीं पाएगा, लॉक लगने के कारण इसी की वजह से यहाँ पे कपड़ा लगा दिया हो। तो ये दिखाओ हर गाड़ी जैसे दरवाज़ा होती है ऐसे इन गाड़ियों में भी है, ये इलकल है बट इतनी नहीं है, बट दरवाज़ा लॉक हो जाएगा तो जल्दी खुलेगा ही नहीं, तो इसको फिर से फ्रंट एक बोनट खुला है तो हम लोग चार्जर लगा के आराम से इजीली खोल ले रहे हैं, तो इसीलिए कपड़ा लगाएं कि कोई अगल बगल से जाए तो दरवाज़ा बंद ना करे, अगर कोई अगल बगल से जाएगा दरवाज़ा सटाएगा तो दरवाज़ा क्लोज हो जाएगी मेरे भाई, उस टाइम दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा, तो इसीलिए कपड़ा लगाया गया है कि अगर दरवाज़ा सटाएंगे तो ये कपड़ा लगा रहेगा तो ये लॉक नहीं होगा। तो भाई दिखा दो, ये रहा चार्जिंग का ऊपर का लाइट, ठीक है मेरे भाई, ये लाइट है वो, ठीक है, बट यहाँ चार्जिंग यहाँ लगता है, ये ना सोचना कि ये लाइट नीचे लगाए तो इसके चार्जर कहाँ लगेगा, ठीक है, ये दुबई में बता रहा हूँ, दुबई के लेफ्ट में साइड में लगा रहता है चार्जर, ठीक है, टेस्ला में लेफ्ट साइड लगा रहता है, राइट साइड नहीं लगा रहता है, तो राइट साइड देखो गाड़ी लड़ चुकी है बढ़िया से, ऐसे लड़ रही है बढ़िया से कि दरवाज़ा पूरा बंद हो गया था बट बोनट खुल चुकी थी। तो लोकेशन दिखा दूँ, ये रहा लेफ्ट साइड लगेगा। तो मेरे भाई एक बात मैं भूल गया, मैं आपको कुछ शेयर नहीं किया, ये बता दे रहा हूँ, जो ये देखो ये तो एसी का पाइप कम हो गया, ठीक है, इसको भाई आपको दो तीन मिनट बैटरी लगा के चार्ज लगा के रखना है, ठीक है, दो तीन मिनट बैटरी लगा के रखना है, जैसे बताया हो ना प्लस माइनस में लगानी है उसी तरह इसमें लगाना है, प्लस माइनस में हर जगह लगा, हर जगह नहीं कह रहा हूँ सॉरी, प्लस माइनस में लगानी है, ठीक है, बैटरी लगानी है तब तक ये दरवाज़ा खुल ना जाए, ये दो तीन मिनट लगानी है, इस जगह प्लस लगानी है, प्लस का वायर लगाना है, इसी जगह माइनस का वायर लगानी है। तो भाई इसका टेस्ला चाबी दिखा दूँ, टेस्ला चाबी ये रहा, इसको बॉडी पर लगाएंगे तो दरवाज़ा खुलता है, ठीक है, वहाँ पर टच करेंगे तो इंजन भी चालू होता है, ओके। तो बता दो मेरे भाई जब चार्जिंग के बारे में, ठीक है, जब चार्ज होगी ना गाड़ी तो ये लाल होगा, ठीक है, रेड कलर में इसका कलर दिखाई देगा जब ये चार्ज होगा, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा, जब ये चार्ज हो जाएगा ना तो गाड़ी ग्रीन हो जाएगी, और इसमें नहीं तो बता दूँ जो वायर वाला था उसमें बता देगा पूरा। तो इसका रहा देखो स्टेयरिंग, उसका डिस्प्ले चेक करो, डैशबोर्ड देख लो, स्टेयरिंग धांसू है कि नहीं ये बताओ, स्टेयरिंग देख रहे हो कितना धांसू है, इसको पीछे दिखा दूँ भाई, पूछ सीट पूरा नीचे कर दिया गया है डिग्गी खोलने के लिए, जो स्टेयरिंग है ये मॉडल में स्टेयरिंग है, मॉडल दिख रहे हो स्टेयरिंग, और इसके गियर को बता दूँ तो गियर सेम है जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियों में होता है, गियर ब्रेक ओवर एक्सीलेटर रहता है, वैसे इस गाड़ी में भी है, ये टेस्ला वैसे सेम है ब्रेक इसका, ये नहीं कि सोचो कि डिफरेंट होगा, ऑटोमेटिक गाड़ियों के जैसे है वैसे ही है। ये जो चार्जर का लोकेशन है देख रहे हो ना, कोई पहचाने का चार्जर कहाँ लगेगा, ये लाइट के लोकेशन के अंदर है, इसके अंदर है, ठीक है, चार्जिंग लगाने वाला सिस्टम। आपको से मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे कार मैकेनिक का वीडियो देखने के लिए और ब्रिटेन और जर्मनी और जापान हर एक गाड़ी का वीडियो देखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, और साथ में बेल आइकन दबा लेना, घंटी वाली चीज़ कोई भी वीडियो अपलोड करो मैकेनिक का उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, मिलता हूं इस वीडियो में, आज का वीडियो देना।